Something seems wrong with you, yeah. Nothing, yeah. अरे बता ना क्या हुआ? बॉस ने कुछ कहा क्या? क्या कहा उन्होंने? अरे बात कुछ और ही है यार. मुंबई के आम आदमी के दौड़ भरी जिंदगी में मैं भी एक हिस्सा बन गया था. एक हफ्ते पहले की बात थी. मैं ऑफिस से घर लौट रहा था. मैं एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था जब मैंने एक आवाज सुनी. अरे 5 रुपए में नए चमकीले जूते पाओ. अरे 5 रुपए में नए चमकीले जूते पाओ. अरे 5 रुपए में नए चमकीले जूते पाओ. एक प्यारा सा बच्चा वहां बैठा था. मैं उसके पास गया. क्या अंकल, आपका जूता तो पहले से चमक रहा है. उसकी ये बात से मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी. मेरी नजर उसके फटे पुराने जूते पर पड़ी. वो दूसरों का जूता चमकाता था पर खुद का जूता फटा हुआ था. ये लो. मैंने उसकी गोद में एक सफेद साड़ी देखी. मैंने पूछा, बेटा ये क्या है? अंकल सब लोग कहते हैं ये मेरी माँ की साड़ी है जिसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है. बड़ा प्यारा नाम है बेटा. थैंक यू अंकल. अरे 5 रुपए में नए चमकीले जूते पाओ. अरे 5 रुपए में नए चमकीले जूते पाओ. इस तरह रोज मेरी मुलाकात उससे होती रही और हम करीब आते गए. आज की ताजा खबर. मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हुआ आतंकवादियों का भयानक हमला. 200 घायल और 50 लोगों की हुई बेवक्त मौत. आइए सीएसटी स्टेशन की ओर चलते हैं. इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ. कुछ पता नहीं अमर का क्या हुआ, अगर वो जिंदा है या. छोड़ यार, लाइफ में ऐसा होता रहता है. मैं तो कहता हूँ कि अपने काम से काम रखना चाहिए. अरे लाइफ गोज ऑन यार. मैं फिर वही आया. मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी. 5 रुपए में चमकीले जूते पाओ. 5 रुपए में चमकीले जूते पाओ. अमर, उसे सुन मैं खुश तो हुआ पर जब मैंने वहां देखा तो वहां कोई और ही बैठा था. उस बच्चे ने मुझे अमर की याद दिला दी. इन्दी।